हर्ष हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने किया उद्भेदन। पूर्णिया पुलिस ने हर्ष झा हत्याकांड के सफल उद्भेदन कर लिया है। घटना का मुख्य विटनेस उनका दोस्त सानू ही निकला। हर्ष का हत्यारा एसपी दयाशंकर और एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे के अनुसंधान से पूर्णिया पुलिस ने मुख्य आरोपी सानू के साथ साक्ष्य मिटाने वाले अन्य दो मित्रों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्णिया से शाहिद के साथ एजाज की रिपोर्ट। दिनांक 24/8/2021 को इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हर्ष की हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में तत्काल उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के क्रम में ये बात पता चला कि हर्ष ने अपने मित्र ज्योति प्रकाश, सानू, ज्योतिदीप इन लोगों के साथ वनभाग पुल के पास जन्मदिन का पार्टी किया था और उसके बाद ये सभी लोग ज्योति प्रकाश के घर पर रात को रुक गए थे। सुबह में लगभग 10:20 जो एग्जैक्ट समय है, ज्योति प्रकाश के पास एक पिस्टल था और किसी बात को लेके हर्ष और सानू के बीच में विवाद हो गया। इस विवाद के कारण हर्ष ने उस पिस्टल को लेकर सानू ने उस पिस्टल को लेकर हर्ष के ऊपर गोली चला दी, जिससे हर्ष बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद इन लोगों ने हर्ष को दिव्यांशु राज उर्फ चीकू के मदद से सदर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इस क्रम में साक्ष्य को छुपाने का काम ज्योति प्रकाश और ज्योतिदीप के द्वारा किया गया। घटना को अलग दिशा मिले जाने के कारण सानू ने कई तरह की कहानियां आप मीडिया बंधुओं के सामने भी कही और पुलिस के सामने भी कहा, लेकिन अंततः जो तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर हम लोगों ने इसको जीरो इन किया। उस घर की जब तलाशी ली गई जिस कमरे में ये लोग थे, तो उस कमरे में से एक मैगजीन और फायर किया हुआ बुलेट बरामद हुआ। इसके बाद तकनीकी साक्ष्य को सामने रखकर जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया। आवेश में आकर इसमें हर्ष की हत्या कर दी गई थी और बाकी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने साक्ष्य को छुपाने का काम किया। इसके कारण 4-5 महीने पहले कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन ये घटना जो है उससे कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस घटना में आवेग में आकर किसी बात का विवाद उत्पन्न हुआ था, इसके कारण सानू ने हर्ष के ऊपर गोली चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। वो सारा बात हमने जैसे अभी कहा आप लोगों को कि मीडिया बंधुओं को भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया गया और पुलिस को भी दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया गया, कई तरह का बयान कहा गया, तो हम लोगों ने 2-3 बातें सामने जो रखी थी, वो पहली बात सोचने वाली थी कि अगर चलती गाड़ी पर कोई फायर करेगा तो जिस जगह पर उसके गोली लगने का एंट्री वुंड है।